और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विश्नोई जी के साथ। जी बताएं, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? जी राखी, अब घोड़े गधे और खच्चरों पर आफत जो है वो आन पड़ी है जी। बीकानेर में ग्लैंडर्स रोग जो कि अश्ववंशीय पशुओं में होता है उसकी पुष्टि हो चुकी है। एक पशुपालक ने जब पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दी तो उसके बाद में जांचें वगैरह हुई और ये तय हो गया, ये पुष्ट हो गया कि इस घोड़े में ग्लैंडर्स रोग जो है वो फैल चुका है। और ग्लैंडर्स रोग जो है वो तेजी से अश्व जो है उन फैलता है और गधे और खच्चर वो भी इसकी चपेट में आने की पूरी संभावना है। यही कारण है कि जिला कलेक्टर ने समूचे जिले में अश्ववंशी पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी है, इनकी खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है, इनके मेले लगाने पर रोक लगा दी है, इनकी किसी तरह की दौड़ या प्रदर्शनी आयोजित करवाने पर रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मनुष्यों में कोरोना था, इसी तरह से अब बर्ड फ्लू के बाद में ये घोड़ों के अंदर, गधों और खच्चरों के अंदर ग्लैंडर्स रोग जो है उसकी आहट जो है वो हो चुकी है। और इसे देखते हुए जिला प्रशासन भी अब तुरंत एक्शन मोड में आ चुका है और इन समूची एक्टिविटीज पर जो इन पशुओं से संबंधित होती है उन पर पूर्ण प्रभाव से रोक लगा दी है। जी, तो एक तरीके से इन्फेक्शियस हो गया है ये रोग। तो धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।